हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी C20 में आप अलार्म कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लॉक में चले जाना है। क्लॉक पर क्लिक करेंगे, अगर आपको यहाँ पर क्लॉक नहीं मिलती तो आप टूल्स में जाकर भी देख सकते हैं। तो क्लॉक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अलार्म वाला यहाँ पर सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और अब आपको यहाँ पर पहले टाइम सेट कर लेना है अलार्म का। जैसे कि मैं 5 बजे का कर देता हूँ अलार्म सेट। तो आप देखते हैं ये AM PM यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने AM सिलेक्ट कर लिया। अगर दोस्तों आपको एक दिन के लिए या फिर एक बार के लिए अलार्म सेट करना है तो रिंग वंस पर रहने देंगे। अगर आपको एक बार से ज़्यादा के लिए सेट करना है तो कस्टम पर क्लिक करेंगे। कस्टमर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी रिपीट की, आपको इसे प्लेस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डे सिलेक्ट कर लेने हैं जिस दिन के लिए आपको अलार्म सेट चाहिए। ऐसे डे सिलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पर आप अलार्म नेम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखते हैं और ऑप्शंस खुल चुके हैं। अगर आपको रिंगटोन सेट करनी है अलार्म पर कोई लग, तो आपको रिंगटोन पर क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन्स ओपन हो जाएंगी। आपको जो भी रिंगटोन सेट करनी है अलार्म के लिए आपको सिंपली क्लिक कर देना है और सेट हो जाएगी। तो अगर आपको इंटरनल स्टोरेज से कोई रिंगटोन सेट करनी है तो आपको सिंपली ऊपर आए ना, आप देखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे, म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाएगा। आपको जो भी रिंगटोन सेट करनी है यहाँ पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं। अगली ऑप्शन है वाइब्रेट, आपको सिंपली अगर वाइब्रेशन चाहिए अलार्म में तो इसे ऑन कर देना, नहीं तो आप इसे ऑफ रहने देंगे। अगली ऑप्शन है यहाँ पर स्नूज, आप देखते हैं अगर आप इसे ऑन करेंगे दोस्तों तो ऐसे होगा ये कि जब आपका अलार्म रिंग करेगा तो आप उसे ऑफ नहीं कर पाएंगे, आप मतलब आपकी नींद नहीं खुली तो वो अपने आप फिर से दोबारा थोड़े टाइम बाद फिर से रिंग करेगा ताकि आपकी चाक खुल जाए। मतलब अच्छा फीचर है ये, आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, अलार्म सेट हो जाएगा।